हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का ब्रीफ बताने वाली हूं, जिसके बाद जब आप अपनी बेयर एक्ट देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज सारे सेक्शंस, पार्ट्स और चैप्टर अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो बेसिकली एविडेंस जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है टू प्रूव और टू डिस्कवर क्लियरली। ये जो एविडेंस एक्ट है ये प्रोसीजर लॉ है, लेकिन इसके जो कुछ प्रोविज़न है वो सब्सटेंटिव लॉ में भी आते हैं। तो ये प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लॉ दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ये एक्ट जो है उस कंट्री में एप्लीकेबल होता है जहाँ पे रेमेडीज़ के लिए सीख किया हो। इंडियन एविडेंस एक्ट सर जेम्स फिट्ज़जेम्स स्टीफन द्वारा 1872 में ड्राफ्ट किया गया था। नाउ इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था? तो इसका उद्देश्य न्यायालय जजिस को ये सुविधा प्रदान करना था जिससे वे निष्पक्ष होकर निर्णय ले सकें। अब इस एक्ट में टोटल 3 पार्ट्स, 11 चैप्टर्स एंड 167 सेक्शंस है। तो चलिए इसका एक ब्रीफ देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है सेक्शन 1 से लेके 55 तक है, सेकंड पार्ट सेक्शन 56 से लेके 100 तक है, एंड थर्ड पार्ट सेक्शन 101 से लेके 167 तक है। लेट्स डिस्कस पार्ट 1। पार्ट 1 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इस प्रिलिमिनरी जो सेक्शन 1 से लेके 4 तक है, जिसमें एक्ट की एप्लीकेबिलिटी एंड डेफिनेशन मेंशन है। चैप्टर 2 जिसमें रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट डिस्कस है। सेक्शन 5 से 15 रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, सेम ट्रांजैक्शंस, मोटिव, प्रिपरेशन एक्सेट्रा, ये सब मेंशन है। सेक्शन 17 से 31 जिसमें एडमिशंस बता रखे हैं। नाउ सेक्शन 32 से 33 स्टेटमेंट बाय हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, इसमें डाइंग डिक्लेरेशन के डिफाइन कर रखा है। नाउ सेक्शन 34 से 38 स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेज। सेक्शन 39 हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। सेक्शन 40 टू 44 जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट। सेक्शन 45 टू 51 ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, इट मीन्स कि एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता है। नाउ सेक्शन 52 टू 55 कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट। पार्ट 2 विच इज़ ऑन प्रूफ, ये पार्ट 2 में चैप्टर 3 से लेके 6 तक है। चैप्टर 3 सेक्शन 56 टू 58 फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ऐसे फैक्ट जिसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। चैप्टर 4 सेक्शन 59 टू 60 विच इज़ रिलेटेड टू ऑरल एविडेंस। चैप्टर 5 सेक्शन 61 टू 90A विच इज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नाउ चैप्टर 6 सेक्शन 91 टू 100 which is the exclusion of oral by documentary evidence. Now part 3 production and effect of evidence, which is chapter 7 to 11. Chapter 7 section 101 से लेके 114A which is the burden of proof. Chapter 8 section 115 से लेके 117 which is estoppel. Chapter 9 section 118 से लेके 134 which is witnesses. Chapter 10 सेक्शन 135 से लेके 166 द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। Chapter 11 सेक्शन 167 विच इज़ इम्प्रॉपर एडमिशंस एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। आई होप गाइज इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके लिए इंडियन एविडेंस बेयर एक्ट को समझना थोड़ा आसान होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक ऑन माई वीडियो।